संबल में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी जमकर गरजे हैं। उनके निशाने पर जहां मोदी और भाजपा रही, वहीं सपा पर भी ओबीसी ने जमकर प्रहार किए। ओबीसी ने बसपा को पागल हाथी कहकर संबोधित किया, वहीं खुद को मदारी बताते हुए भाजपा को नचाने का दावा किया है। यूपी में भागीदारी संघर्ष मोर्चा की सरकार बनने पर बाबू सिंह कुशवाहा को CM, एक अल्पसंख्यक और दो पिछड़ों को डिप्टी CM बनाने का भी ओबीसी ने ऐलान किया है। तो मैं ये जिंदगी में तिश्तगी देकर खबर में नहीं जाऊंगा। जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं लड़ता रहूंगा, बावजूद इसके कि कोई मुझ पर गोली चलाए, बावजूद इसके कोई मुझे डराए, बावजूद इसके कि कोई मेरी गर्दन का हिसाब करे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरा हमारा ही उड़न कठोला हमारा है, खैर जा रहे हैं यहाँ से, अब मोदी जा रहे और परसों फिर संबल को आएंगे। नवाब साहब के बारे में बोलना बाकी है, अभी रोक के रखे हैं थोड़ा। आप चलिए, अब आप हमारी बात सुनिए। मैं आपसे और एक 5-10 मिनट आपसे बोलना चाहूंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि आज हमारे मुल्क में, खासतौर से कर्नाटक में, जो हमारी बहनें हिजाब की लड़ाई लड़ रहे, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सुभाना व तआला उनको उसमें कामयाब और कामरान कर देगा। जो हिजाब की लड़ाई एक बुनियादी हक है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टुस्वामी जजमेंट में कह दिया कि कोई सरकार ये तय नहीं कर सकती कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। तो बीजेपी की सरकार कर्नाटक में गैर जरूरी के जुर्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान की आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है कि वहां के महिला बच्चियों को स्कूल में और कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। मैं बीजेपी के इस फैसले की मजम्मत करता हूं, कंडेम करता हूं। जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बल्कि पुट्टुस्वामी जजमेंट के खिलाफ है, दूसरा जजमेंट है उसके खिलाफ है, कॉमन कॉज जजमेंट के खिलाफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमने वो वीडियो भी देखा कि हमारी एक बहादुर बेटी कर्नाटक में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहनकर आती है और मोटरसाइकिल को अपने कॉलेज में खरीदती है, तो जैसा ही उसके करीब ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं, एक 25-30 का नौजवानों का हुजूम इस नकाब बुरका पहनी बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूँ और उस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूँ उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ये आसान काम नहीं था। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देख कर पुकार कर कहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मिजाज पैदा करना है। अगर तुम आज झुक जाओगे तो हमेशा के लिए झुक जाओगे, याद रखो मेरी बात को। अगर आज तुम खड़े हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, देखो ये जो लोग तुमको डरा रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि हमारे सरों पर जो काले बादल मंडरा रहे हैं, याद रखो ये बादल छकेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सूरज चमकेगा जो हमारे मुस्तकबिल का सूरज होगा, मगर याद रखो भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, लड़ेंगे जमहूरी तरीके से तो हक दिया जाएगा। अगर तुम समझोगे कि गैरों की चौकट पर जाकर भीख मांगने से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम ये बताओगे ये मेरी ताकत है, इतना होश मेरे पास है, मैं जीत सकता हूं और जिताऊंगा, तब जाकर दुनिया तुम्हारा हक देगी। मेरी इस बात को जहन नशीन कर लो कि रोने से, भीख मांगने से आपको ताकत नहीं मिलेगा। उस बच्ची ने
आपको पैगाम दिया, उत्तर प्रदेश की जनता को पैगाम दिया, उस बच्ची ने पूरे मुल्क के कमजोरों को पैगाम दिया, अगर हुजूर तुम्हारे सामने आता है तो आने दो, ले जाओगे या नवाब की गुलामी लेके जाओगे? क्या तुम इस दुनिया से अपना हक मनवा के जाओगे? क्या तुम इस दुनिया में हिस्सेदारी में कामयाब होकर जाओगे? क्या तुम इस दुनिया में आए तो संबंध का विकास करके जाओगे? क्या जब तुम इस दुनिया में आए तो फिर तुम क्या सब कमजोरों का साथ दोगे नहीं दोगे? ये फैसला आपको करना है। मैं आपके सामने आकर जज्बात में लाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे इस वाक्य के ऊपर वोट दो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं मरने तैयार हूँ इन चीजों के लिए, मगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं मर भी जाऊं, तुम इस लड़ाई को जारी रखो, तुम इस लड़ाई को जारी रखो। इस लड़ाई को आपको जारी रखना है। और हम अभी बाहर आ रहे थे तो रास्ते में मीडिया ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा कि हमने मुस्लिम महिलाओं के लिए मदद की, ट्रिपल तलाक का कानून बना दिया। अरे प्रधानमंत्री जी, ये बच्चियों पर निकाब पहनना, हिजाब पहनने की इजाजत आपकी सरकार ने दे रही है, कि ट्रिपल तलाक का कानून क्यों बनाया? बच्चियों को हिजाब नहीं पहनना। और आपको जानकर हैरत होगी कि मोदी सरकार का डेटा एनएसए का डेटा है, नेशनल स्टेटिस्टिकल एनएसए का डेटा, एनएसओ का डेटा है कि 21% भारत में मुस्लिम बच्चियां जो 3 और 25 साल 35 साल की उम्र की है वो कभी स्कूल को नहीं गई। ये बच्चियां स्कूल को जा रही है पढ़ने के लिए, कॉलेज को जा रही है। वाह मोदी जी, क्या मोहब्बत है आपकी। मोदी जी बोलते हैं मुस्लिम महिला मेरी बहन है,